अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियास गर है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ लाइट के तमाम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बाकायदा बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुके हैं और तकरीबन 10-15 सालों में इन्हीं में से कोई ना कोई न्यूमेरिकल जो है वो हर साल रिपीट होता है। तो अगर आप इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सवाल को पढ़कर डेटा बनाकर सोल्व कर लेते हैं तो फाइनल बोर्ड में आपको इन्हीं में से कोई ना कोई न्यूमेरिकल इंशाल्लाह नज़र ज़रूर आएगा। तो पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का और आपने इसे अच्छे से रीड करना है, डेटा बनाना है। याद रहे माइकलसन इंटरफेरोमीटर को हम डिस्कस भी कर चुके हैं, इसके तमाम न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने इसकी मजीद प्रैक्टिस करनी है। 1998 के अंदर कराची बोर्ड के अंदर ये न्यूमेरिकल आपके सामने आ चुका है। आपने इसे अच्छे से डेटा बनाना है, सॉल्व करना है और इस वीडियो के एंड में इस न्यूमेरिकल का आंसर भी आपको बताया जाएगा। अगर आपका आंसर मैच हो जाता है इसका मतलब आपने इसको सही सॉल्व किया। अगला न्यूमेरिकल आपके सामने है और वो है डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग का। याद रहे डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग के तमाम न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आपने इस सवाल को अच्छे से रीड करना है, रीड करके हिंट के तौर पर बाकायदा आपको यहाँ फॉर्मूला भी दिया हुआ है, तो आपने इसको सॉल्व करना है, आंसर लाना है और वीडियो के एंड में जो आंसर होगा उससे मैच करना है। अगला सवाल आपके सामने जो है वो न्यूटन्स रिंग का है और आपको मालूम है कि न्यूटन्स रिंग जो है वो आपके सामने, इसको सवाल को पढ़ना है, डेटा बनाना है और हिंट के तौर पर यहाँ फॉर्मूला भी है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने है और वो है डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग का। सवाल को अच्छे से पढ़ना है, डेटा बनाना है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपने लाना है और एंड में उससे मैच करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने है और वो है 1995 कराची बोर्ड के अंदर आ चुका है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का न्यूमेरिकल है और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के हम ऑलरेडी तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। सवाल को अच्छे से पढ़ना है, आपके सामने जो है वो हिंट के तौर पर बाकायदा फॉर्मूला भी मेंशन है और जो न्यूमेरिकल आपसे सोल्व ना हो उसका स्क्रीनशॉट लेकर फेसबुक ग्रुप जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है वहां पोस्ट कर दिया करें ताकि आपके वहां स्टूडेंट हेल्प भी कर सकें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने है 1994 कराची बोर्ड में है और न्यूटन रिंग का ये सवाल है। सवाल को अच्छे से पढ़ना है, डेटा बनाना है और इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने है 1991 कराची बोर्ड डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग का सवाल है। सवाल को अच्छे से पढ़ना है और आपने इसे सोल्व करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने है जो कि 1997, 2001, 2003, 1999 तमाम ईयर्स में आ चुका है। न्यूटन रिंग का सवाल है, सवाल को अच्छे से पढ़ना है, डेटा बनाना है, फॉर्मूला आपके सामने है, वैल्यू पुट करके आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूटन रिंग का है। याद रहे ब्राइट न्यूटन रिंग का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था और ये डार्क न्यूटन रिंग का सवाल है, इसीलिए ये फॉर्मूला है। सवाल को अच्छे से पढ़ना है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर लाना है। और इसी तरीके से अगला सवाल आपके सामने है 2004 कराची बोर्ड का एक्सरे डायफ्रेक्शन का ये सवाल है और एक्सरे डायफ्रेक्शन का आपको मैंने फॉर्मूला पहले ही बताया था, एम लैम्डा बराबर है 2d साइन थीटा के। सवाल को अच्छे से पढ़ना है, डेटा बनाना है और हिंट के तौर पर आपके सामने ये फॉर्मूला भी है, आपने इसे वैल्यू पुट करनी है और आंसर लाना है। कोशिश कीजिएगा कि हिंट को आप तब देखें जब आप बिल्कुल ही सॉल्व ना कर पाए और न्यूमेरिकल नंबर 1 आप सॉल्व करेंगे इसका आंसर ये है 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो 8, 9, 10 ये 10 न्यूमेरिकल हैं। इसकी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो चैप्टर 9 से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आएगा इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।